अगर आप भी यूज करते हैं Redmi का Note 10 Pro और आपने अपडेट कर लिया है MIUI वर्जन 12.5.10 में और अगर आप फेस कर रहे हैं कैमरा इश्यूज तो आप इस वीडियो को देखते रहे गाइस, क्योंकि गाइस बहुत सारे यूजर जो है रिपोर्ट कर रहे हैं कि Redmi Note 10 Pro में रिसेंट अपडेट के बाद गाइस कैमरा का इश्यूज आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर कहीं से भी न्यू आ गया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आएगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी गाइस जाके जल्दी से फॉलो कर ले, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस तो बात करें यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट के बारे में। तो जैसे कि सब लोग जानते ही होंगे गाइस Redmi Note 10 Pro को रिसेंटली एक न्यू MIUI 12.5 का अपडेट देखने को मिला था जिसका वर्जन था 12.5.10। जब मैंने ट्विटर ओपन किया तो गाइस यहाँ पे माई स्मार्ट प्राइस और जो एक अभिषेक यादव जो कि इंडिया के बहुत बड़े लीकर है उन्होंने भी यहाँ पे ट्वीट किया, बहुत सारे फेमस जो कि यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि Redmi Note 10 Pro का रिसेंट अपडेट के बाद यहाँ पे कैमरा फ्रंट कैमरा में इश्यूज आ रहे हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक यूजर ने रिपोर्ट किया था यहाँ पे इज देर अ न्यू काइंड ऑफ बग ऑफ Redmi इंडिया। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा एरर का इशू आ रहा है। तो आज की स्टूडियो में मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ अगर आप इस इशू को फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे गाइस कि मैंने ऑलरेडी सक्सेसफुली यहाँ पे 12.5.10 इंस्टॉल किया हुआ है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया यूज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस एकदम सही है, बैटरी बैकअप भी सही है। गाइस यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे डिवाइस में कोई भी फ्रंट कैमरा का इशू यहाँ पे नहीं आया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डिवाइस में फ्रंट कैमरा एकदम आराम से वर्क कर रहा है, वीडियो मोड में भी वर्क कर रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस फुल्ली तरह से फ्रंट कैमरा जो है वर्क कर रहा है, नाइट मोड भी वर्क कर रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मेरे कैमरा में कोई भी इश्यूज यहाँ पे नहीं आया हुआ है 12.5.10 में, देख सकते हैं गाइस। तो अगर आप फेस कर रहे हैं Redmi Note 10 Pro में अपने कैमरा इश्यूज या Redmi Note 10 Pro Max में तो कुछ नहीं करना गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कैमरा का अबाउट इन्फो में जाके यहाँ पे आपको क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर देना है और उसके बाद डिवाइस को एक बार रिबूट कर लीजिएगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें कि आपका कैमरा ओपन होता है या नहीं, अगर ओपन नहीं होता है तो क्या करें मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग्स में जाए, अबाउट फोन में जाए, फिर ऑल स्पेक्स में जाने के बाद स्क्रोल डाउन करें, यहाँ पे कर्नल वर्जन है गाइस इस पे आपको 2-4 बार टैप करना होगा फिर ये लॉन्चिंग CIT करके कुछ आ जाएगा, ये CIT वर्जन होता है गाइस, यहाँ पे आप लोग दिखा देता हूँ देख सकते हैं ये आ चुका है CIT का। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक करें कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं, देख सकते हैं फ्रंट कैमरा वर्क कर रहा है, कैप्चर पर क्लिक करें यहाँ पे और इसके बाद देख सकते हैं जैसे जैसे ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसके अकॉर्डिंग कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद पास पे क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं मेरा फ्रंट कैमरा जो है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी फेस कर रहे हैं इसका कैमरा इश्यूज तो पहले जाके यहाँ पे चेक करें, अगर यहाँ पे आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तो अगर आपका कैमरा डेड हो गया होगा तो जाके सर्विस सेंटर जाए, ऐसे ही डायरेक्ट सर्विस सेंटर ना जाए गाइस। यहाँ पे जैसे कि ट्विटर में इन यूजर ने रिपोर्ट किया था यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने इनको हेल्प कर दिया कि पहले जाके CIT टेस्ट में चेक करें कि आपका कैमरा वहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं, अगर वहाँ पे वर्क कर रहा है तो आपका रिबूट या फिर क्लियर कैच डाटा से फिक्स हो जाएगा, नहीं तो आपको गाइस यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा डिवाइस को, आपका डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। और अगर आपका CIT टेस्ट में कैमरा वर्क नहीं कर रहा है तब आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ने मेरे से भी रिप्लाई भी किया था, मैंने उन्हें बताया था कि मैं फीडबैक टीम से और इसका सॉल्यूशन भी दिया था, बहुत सारे मेरे को ट्विटर पे रिप्लाई आ रहे थे कैसे फिक्स करें ये वो, मैंने बताया यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ इन यूजर्स का जो था फिक्स हो चुका है यहाँ पे मैं आपको बता दिया। देख सकते हैं इन्होंने मेंशन किया हुआ है मैंने हार्ड रीसेट किया था मी रिकवरी के थ्रू और मेरा कैमरा इश्यूज यहाँ पे फिक्स हो चुका है, बट ये थोड़ी देर के बाद मेरे को बताएंगे कि सही में फिक्स हुआ या नहीं कि थोड़ी से टेस्टिंग करने के बाद। यहाँ पे देख सकते जैसे कि मैंने इनको बताया था वैसे ही इन्होंने किया और यहाँ पे इनका फिक्स हो चुका है गाइस। तो अगर आप भी अगर आपका कैमरा इश्यूज आ रहे होंगे रिसेंट MIUI 12.5.10 के बाद तो जाके जैसे मैंने बताया वैसे ही करें, पहले CIT टेस्ट यहाँ पे अबाउट फोन में, फिर यहाँ से आपको गाइस जाना पड़ेगा ऑल स्पेक्स के बाद कर्नल में यहाँ पे जाना पड़ेगा और 7-8 बार टैप करें, उसके बाद CIT टेस्ट में फ्रंट कैमरा चेक कर ले, अगर वहाँ पे आपका वर्क कर रहा है तो आपको कैमरा का क्लियर डाटा और क्लियर कैच कर दे, उसके बाद रिबूट करें फिर ओपन करें, अगर फिर भी नहीं ओपन हो रहा है ब्लर जैसा कुछ आ रहा है तो आप डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर दे गाइस, अपना डेटा को बैकअप ले ले और उसके बाद ट्राई करें, आपका कैमरा का जो इश्यूज है वो डेफिनेटली 100% फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो यही गाइस एक मेजर इश्यूज निकल के आया था जो कि ट्विटर पे बवाल मचा हुआ था Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं Redmi का Note 10 Pro ही यूज कर रहा हूँ और मेरे डिवाइस में कोई भी कैमरा इश्यूज नहीं आया है, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, यहाँ पे मेरा कैमरा जो है परफेक्टली वर्किंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले। आपका कोई भी न्यू इश्यूज फेस करते हैं अपने कोई भी डिवाइस में Xiaomi के या फिर Realme के, यहां पे आप शेयर कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। जाके जल्दी से गाइस ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।